शेयर मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। बिग बुल राकेश झुनझुनवाला के निधन की खबर से सब हैरान रह गए। रविवार का दिन कारोबारी जगत के लिए बुरी खबर लेकर आया। कई दिनों से झुनझुनवाला बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। झुनझुनवाला ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रविवार सुबह 6:45 पर अंतिम सांस ली। राकेश झुनझुनवाला के निधन के बाद से कारोबार जगत में मातम पसरा हुआ है। राकेश झुनझुनवाला मार्केट गुरु के नाम से प्रचलित थे। शेयर मार्केट में मिट्टी को सोना बनाने की कला में माहिर थे झुनझुनवाला। शेयर मार्केट में राकेश झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफेट भी कहा गया। करोड़ों निवेशक कारोबारी राकेश झुनझुनवाला को फॉलो किया करते थे। राकेश के शेयर को छूते ही भाव आसमान चढ़ने लगते थे। झुनझुनवाला ने सिर्फ 5,000 रुपए से शेयर मार्केट में कदम रखा था। राकेश झुनझुनवाला दलाल स्ट्रीट के बेजोड़ बादशाह थे। भारत से सबसे सफल निवेशकों में से एक थे राकेश झुनझुनवाला। उनकी गिनती देश के टॉप अमीरों की लिस्ट में होती थी। आज उनकी नेटवर्थ करीब 40,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुकी है। जब इन्वेस्टर्स बाजार में पैसे गवा रहे होते तब राकेश कमाई करने में सफल रहते थे। आइए आपको उनके बिग बुल बनने की कहानी भी बताते हैं। राकेश के पिता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अधिकारी और शेयर मार्केट में निवेशक थे। पिता को देखकर ही राकेश झुनझुनवाला को शेयर बाजार में पैसा लगाने का चस्का लगा। पिता से पैसे नहीं मिलने पर उन्होंने खुद कमाए पैसों से शेयर बाजार में एंट्री की। साल 1986 से 1988 के बीच झुनझुनवाला ने 2 से 2.5 करोड़ का मुनाफा कमाया। फिर झुनझुनवाला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राकेश झुनझुनवाला ने हाल ही में अपनी खुद की एयरलाइंस शुरू की है। राकेश झुनझुनवाला ने हाल ही में अपनी एयरलाइंस अकासा एयर शुरू की है। अकासा एयर के जरिए टाटा ग्रुप की एयरलाइन को टक्कर दी। राकेश झुनझुनवाला को बॉलीवुड से भी लगाव था। राकेश झुनझुनवाला ने बॉलीवुड की कई फिल्में भी प्रोड्यूस की।